Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. रिजल्ट जो है वो आज शुगर सेक्टर के रिजल्ट थे। सबसे पहला जो रिजल्ट था वो अलाहाबाद शुगर मिल्स ने अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। अपने फोर्थ क्वार्टर में 13.51 रुपए की अर्निंग दी है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में इनका 20.89 रुपए की जो है वो अर्निंग थी। तो टोटल इनकी जो इस साल की टोटल अर्निंग बनी है वो 71.67 रुपए की बनी है। पिछले साल इन्होंने 64.05 रुपए की अर्निंग दिखाई थी। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है 10 रुपए डिविडेंड पर शेयर। नेक्स्ट जो कंपनी थी वो अल्नूर शुगर मिल्स था। इनका भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इनकी 11.82 रुपए की अर्निंग आई है। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में इनकी 7.99 रुपए की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनका जो ये ईयर है ये भी पॉजिटिव में गया है। 9.89 रुपए की इन्होंने अर्निंग दी है। पिछले साल जो है वो इनकी 9.25 रुपए की अर्निंग थी। डिविडेंड भी साथ अनाउंस किया है 3 रुपए पर शेयर। नेक्स्ट जो कंपनी थी वो TICL थी। इसने फुल ईयर का रिजल्ट था इनका भी अपने फोर्थ क्वार्टर में 32.70 रुपए की इनकी अर्निंग आई है। पिछले साल जो है वो इनका लॉस था फोर्थ क्वार्टर में 7.56 रुपए का। तो ओवरऑल इनका भी 2020 अच्छा साल गुजरा है। 84.12 रुपए की इनकी अर्निंग आई है। पिछले साल जो है वो 22.78 रुपए की अर्निंग थी। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है 3 रुपए पर शेयर का। बाबा फरीद शुगर मिल्स का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इनका लॉस ही है 9.47 रुपए। लास्ट फोर्थ क्वार्टर में भी इनका लॉस था 24.64 रुपए। तो ओवरऑल इनका ये साल भी जो है लॉस में गुजरा है। 30.27 रुपए का टोटल लॉस था। पिछले साल के मुकाबले में लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। पिछले साल इनका 72.24 रुपए का लॉस था। पे आउट जो है उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया।